चलिए दोस्तों, आज राजस्थान की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। सबसे पहले चलते हैं भव्य चित्तौड़गढ़ के किले की ओर। वहां हम रानी पद्मिनी की बहादुरी के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने हार मानने के बजाय सम्मान चुना। अब सीधे 16वीं सदी में चलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे ताकतवर मुगल बादशाह के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बात करें तो स्वाभिमान की, फिर 17 मई 18वीं सदी में चलते हैं, जब आमेर का किला बना। हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का ये अनोखा मिश्रण आज भी लोगों को हैरान कर देता है। सारी जाती की 18वीं सदी में जयपुर यानी गुलाबी शहर का जन्म हुआ। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया कि आज भी इसकी शहरी योजना एक मिसाल है। और आखिर में 20वीं सदी में राजस्थान आजाद भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया, जिसने रियासतों को एक साथ मिला दिया। एकता और तरक्की का ये तो कमाल ही हो गया। तो ये थी राजस्थान की कुछ ऐतिहासिक झलकियां। और भी गहरी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो।